बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, सेकंड चैप्टर जो है उसकी एक्सरसाइज ए। और एक्सरसाइज ए में हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो स्टेटमेंट है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, कि इनमें से को जो नंबर हमने नीचे दिए गए हैं बताएं कि क्या ये 4 के साथ डिवाइड होती हैं कि नहीं। तो आप ऐसे तो कह सकते हैं कि हम डिवाइड करके बता सकते हैं, तो बच्चे ये हमने विदाउट सॉल्विंग हमने बताना है, सॉल्व किए बगैर, डिवीजन को डिवीजन वाला प्रोसेस किए बगैर हमने बताना है। तो इसके बताने का कुछ रूल है और मैं वो रूल आपको बताती हूँ जी। पेज नंबर 27 में आई बुक के पेज नंबर 27 में ये पैसेज आपको जो टेबल नज़र आ रहा है यहाँ पे, इसके ऊपर ही और वहाँ पे जो 4 लिखा हुआ है ये वो रूल है कि किस तरह हम 4 के बारे में बताएंगे कि ये डिवाइड करेगा किसी नंबर को के नहीं करेगा। इसमें उन्होंने बताया है कि द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट, क्योंकि हम इसके एंड वाले 2 नंबर लेंगे ऑफ 2 डिजिट, उसके 2 जो अदाद हम एंड वाले लेंगे ऑफ द नंबर्स, उस नंबर के इज आ मल्टीपल ऑफ 4, कि क्या जब हम एंड वाले उसके 2 नंबर लेंगे अगर वो 4 के साथ मल्टीपल हैं, मतलब कि 4 के साथ डिवाइड हो रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये नंबर जो है ये 4 का डिविजिबल है। तो इसके लिए अब मैं आपको यही रूल फॉलो करते हुए आपको बताती हूँ कि ये कैसे करना है। हमने जी मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट लिया था, वो था 1996। अब 1996 में हम सबसे जो है इधर इसके लास्ट वाले जो है नंबर ले रहे हैं 96 को जब हम आपने देखना है कि क्या ये 4 के साथ डिवाइड होती है कि नहीं। 96 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू जी, करेंगे हम इस साइड पे 96 को 4 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो 4 2 8 16 4 4 16। तो अब तो ये भी पूरा डिवाइड हो गया है, मतलब कि आंसर इसका आ जाएगा 24। तो हम कह सकते हैं कि 196 जो है ये 4 का डिविजिबल है। तो हम यहां पे फिर लिख देंगे 196 इज विजिबल बाय 4 जी। इसी तरह से बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इसी तरह से आपने इसके सेकंड जो 2 पार्ट्स हैं बी और सी, ये मैं आपको एंड पे बताऊंगी कि इनमें से होमवर्क आपने कौन सा करना है। बी और सी ये भी आपने प्रैक्टिस करनी है और इन दोनों में से एक होमवर्क करना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर विजिबल बाय 6, कहते हैं अप्लाई द रूल एंड शो द वर्किंग जी। इसमें ये बताया गया है कि जो नीचे दिए गए नंबर हैं क्या वो 6 के साथ डिवाइड हो जाते हैं, और क्या करना है आपने रूल को अप्लाई करना है और उस वर्किंग को आपने शो करना है, बताना भी है जी। बिल्कुल हम बताएंगे और आपको समझाएंगे भी। और अब इस 4 का तो मैंने लॉ बताया था, अब 6 के लॉ के लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि 6 के लॉ के लिए दोबारा हम पेज नंबर 27 पे वापस जाएंगे, वहां पे यहाँ पे लिखा हुआ है 6। अब ये देखे इस लाइन 6 पे आ जाए, 6 पे उन्होंने बताया है कि द नंबर इज डिविजिबल बाय 2, पहली बात कि वो नंबर 2 के साथ डिवाइड होना चाहिए, मतलब कि वो नंबर इवन हो, इवन नंबर हो, इवन जो नंबर है वही नंबर, ऐसे नंबर जो 2 के साथ डिवाइड हो हम उन्हें इवन कहते हैं, उसके लास्ट में जो नंबर हो वो इवन हो। एंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब कि हम उस नंबर के तमाम डिजिट्स जो हैं उन्हें प्लस करें तो वो अगर जो आंसर आए अगर वो 3 के साथ डिवाइड हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये किसके साथ हो सकता है डिवाइड, 6 के साथ भी ये इसका डिविजिबल है जी। अब इसी रूल को हम फॉलो करेंगे और इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे जी। सबसे पहले आप ये देखिए इसका फर्स्ट, कि मैं यहाँ से ले रही हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने ए पार्ट लिया है और क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट में है 6
8622। अब इसका देखिए, यहाँ से जो यूनिट प्लेस है इसकी, वंस जो है इसका वो क्या है, टू है। टू मतलब क्या है कि ये इवन नंबर है। जब किसी नंबर के लास्ट में कोई ऐसा नंबर जो कि 2, 4, 6 मतलब कि इवन नंबर हो, इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर हमारे पास इवन नंबर है। तो ये इसके लास्ट पे 2 है, तो ये क्या हो गया, इवन नंबर 2 के साथ डिवाइड हो सकता है। फर्स्ट रूल हमारा यहाँ पे जो है वो हमने अप्लाई किया, तो सही हो गया कि ये इवन नंबर है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि 8, फर्स्ट जो है वो ये है कि 8622 इवन नंबर, जी। सेकंड, अब हम बात करेंगे सेकंड के बारे में। सेकंड रूल जो उन्होंने बताया था वो ये था कि अगर हम इन नंबर्स को प्लस करें, प्लस करने के बाद जो आंसर आए और वो 3 के साथ डिवाइड हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये भी 6 के साथ हो सकता है। ये दोनों रूल इसके लिए जरूरी थे, डिविजिबल बाय 6 के लिए। तो जी करते हैं वो, 8 + 6 + 2 + 2, तो ये किसके इक्वल होगा। अब ये देखें, यहाँ से हम करें 2 + 2 = 4, 4 + 6 = 10, 10 + 8 = 18, और अब 18 को हम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ से किसके साथ, 3 के साथ। जी 18 का 3 का टेबल कहाँ तक काउंट करें तो 18 आएगा बच्चे, तो 6 × 3 = 18, तो ये इसके साथ हो जाएगा 6 के साथ। जैसे कि आपको बताया है, सेकेंड रूल जो हमने किया है कि इनको प्लस करने से 18 नंबर्स को प्लस किया तो 18 हमारे पास आ गया नंबर। अब 18 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो 6, मतलब कि ये 6 के साथ हो गया। सेकेंड हमारे पास जो हमने लॉ में था इसके, वो भी हमने इसका कंप्लीट प्रूव कर लिया है। अब इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास नंबर है 8622, ये डिवाइड हो रहा है 6 के साथ। ये डिविजिबल है बाय, डिविजिबल बाय 6 है, क्योंकि ये दोनों लॉ इसमें प्रूव हो गए हैं। इवन भी है और ये 3 के साथ भी इसका हो गया, डिवाइड हो जाएगा ये इसके प्लस जब हम करेंगे। तो हम राइट कर रहे हैं इसके एंड पे 8622 इज डिविजिबल बाय 6। जी ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसी तरह से इसके तमाम पार्ट्स जो है वो आपने करने हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, और इसके बाद नेक्स्ट जो है इसकी डायरी जो आपने करनी है वो है क्वेश्चन नंबर 4 का आपने सी पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 5 का आपने डी पार्ट जो है वो एज अ होमवर्क करना है। पेज नंबर है 29। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।